थ्री पीपल हैव लाइक्ड इट, तुम क्यों हेलो बोल रहे हो? सबसे पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ, एम आई ऑडिबल? कोई बता दे ऑडियंस में। अरे विपिन से पूछो यार, वो तो साथ ही बैठा हो। आर वी ऑडिबल? कैन यू हेयर बोथ ऑफ अस एज वेल? हाँ आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। थैंक यू विपिन, बहुत शुक्रिया। ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड वी हैव वंश सिंह, वंश प्रताप सिंह फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ही इज बेसिकली स्टूडेंट ऑफ डेटा साइंस इन मेसिना यूनिवर्सिटी इटली। और वंश और मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। वंश, वालेकुम अस्सलाम। जुबैर करीम, थैंक यू वेरी मच। शफकत अली सर, इटली का वीज़ा लगवा दें। बिल्कुल सर, लगवा के देंगे आपका। शफकत भाई, वीज़ा लगेगा बिल्कुल, आपका परेशान ना हो आप, अप्लाई करना पड़ेगा आपने। सो वंश मेरे साथ हैं। वंश और मेरा ताल्लुक ज़रा पुराना है, क्योंकि हम दोनों ने एक ही प्याली में चाय पी है साथ में। मैं इटली फर्स्ट टाइम आया था, तो 2 दिन बाद वंश भी वहाँ पे पहुँच गया था और हमने सारा प्रोसेस साथ किया। तो इज़ वन ऑफ माई अर्ली फ्रेंड्स जी इन इटली, और इंडिया से भी हैं ये। तो एक बड़ा पाकिस्तान इंडिया की एक अच्छी केमिस्ट्री बनी थी स्टार्टिंग में। हमारे बड़े जोक भी थे जो वंश ने लिखे थे कि हमारे दरमियान में कश्मीर था। तो जी उसके बारे में फिर किसी और दिन। भारत, तो वंश आपका तारुफ मैंने करा दिया, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू। थैंक यू सो आई मच। वुड लाइक टू नो कि एक जनरल अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बता दे कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल इन इटली, एक्सपीरियंस कैसा रहा। देन आई विल आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस एज वेल, प्लीज। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आगाम को मेरा सलाम, मेरे भाइयों बहनों को, और होप करता हूँ कि आप सब अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, और आप सब ग्रो करना चाहते हो करियर में और लाइफ में भी। और इटली का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले तो बहुत अजीब लगता है कि जब आप नए नए आते हो, बहुत कल्चरल डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस, और अपनी कंट्री से निकलकर बाहर आना, किसी और मुल्क में जाना, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है आपकी लाइफ में। पर सबके अंदर एक डिजायर होता है जब हम किसी कंट्री, अपनी कंट्री से आते हैं, जहां हमारे अंदर एक डिजायर होता है बाहर पढ़ाई करने का या बाहर किसी डिग्री को हासिल करने का। तो वो चीज मेरे अंदर भी बचपन से थी, और वो मौका मुझे मिला, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और हम इटली आए। और इटली आके स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती थी, एंजाइटी होती थी चीजों की कि कैसे क्या होगा, लेकिन सब कुछ बहुत इजीली और अच्छे से मैनेज हो गया। उसमें राहत भाई का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हर जी स्टेप पे मेरी मदद करी है, पर्सनल लेवल पे, डॉक्यूमेंटेशन हो चाहे छोटे मोटे, जो भी प्रोसेस थे हर चीज में। और इटली बहुत डिफरेंट है बाकी देशों से, हमारे जैसे बच्चों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से और ऐसी कंट्री से आते हैं जो इकोनॉमिकली उतनी वेल ऑफ नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते 50 लाख 60 लाख रुपए एजुकेशन के लिए। तो इटली एक ऐसी कंट्री है जो आपको ऐसी बेनिफिट्स देती है, ऐसे फायदे देती है, इसलिए हमने इटली को चूज किया, और इटली हैज पेड मी रियली वेल ऑफ। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी 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 टीचर्स किस तरह के हैं, इंग्लिश उनको सही तरीके से पढ़ाती है नहीं आती है, साथ में ये जी बताएं कि ग्रेड्स कैसे रहे आपके। स्पेसिफिक नहीं बताएगा कि कितने ग्रेड्स आए, लेकिन बताएं जी जी कंपटीशन कैसा है क्लास में, स्टूडेंट जरा यूनिवर्सिटी क्लास एग्जामिनेशन जरा इसके बारे में प्लीज बताएं। सबको पता है कि फ्यूचर आईटी का है, स्कोप आईटी का है, एआई का है, तो इस वजह से मेरे कोर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं मेरे कोर्स में, करीब 200 से 250 बच्चों की क्लास की स्ट्रेंथ है। और जो एग्जामिनेशन है उसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, सारे प्रोफेसर्स अपने अपने फील्ड और डिपार्टमेंट के पीएचडी और रिसर्च होल्डर्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप तो सबसे पहले उनसे इम्प्रेस हो जाओगे उनकी नॉलेज देख के, आप उनसे कोई डाउट पूछो और फिर वो आपको जिस तरीके से जो बताएंगे समझाएंगे, आपको समझ आएगा कि भाई इनको पता है चीजें, और काफी अच्छे तरीके से, काफी पेशेंस से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं चीजें, और बहुत ही डीप नॉलेज है यहाँ। फैकल्टी बहुत अच्छी है, फैकल्टी की कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही ओवर क्वालिफाइड है।
और जो मेरा कोर्स है उसमें उसकी बेस्ट चीज़ है कि जो मेरी डिग्री है वो 3 साल की है, और उस 3 साल में मेरे कोर्स में हर सेमेस्टर में हमें अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे शुरू होता है सी से, फिर सी प्लस प्लस, फिर अगले सेमेस्टर में पाइथन, फिर अगले में जावा स्क्रिप्ट। तो आपको डिग्री के एंड तक आपको सारी लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड हो जाएगी कंप्यूटर्स की, कि आप इतनी लैंग्वेजेस सीखने के बाद आप अच्छा ही करोगे। जब आपको इतनी लैंग्वेजेस आ जाएंगी जो डिमांड में है, जो ट्रेंड में है, जो आपके यूजफुल टूल्स हैं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है जब किसी डिग्री में इतना कुछ कवर्ड हो। तो बहुत ही अच्छी एग्जाम्स शानदार कैसे होते डिग्री हैं? है जी। एग्जाम्स टफ होते हैं या फिर एग्जाम्स एग्जाम्स किस तरह का के होते पैटर्न ऐसा होता है कि जो प्रोफेसर है पूरा उन पे डिपेंड करता है कि वो एग्जाम कैसे लेंगे। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पूरा प्रोफेसर के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके मन हैं? पे है एक वो। मिनट ना, एक मिनट। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जी रुशान जी अहमद और काफी सारे लोगों ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और काफी लोगों ने कहा है क्वेश्चन कैसे पूछें, जुबैर करीम ने भी कहा है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दें, मैं थोड़ा सा ना वंश से ज़रा क्वेश्चन आंसर कर लूँ, उसके बाद हम मिलके क्वेश्चन आंसर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप वंश से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, हम दोनों को आप यहाँ पे रेफर कर दें। जिससे क्वेश्चन पूछना है हम जवाब दे देंगे, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ ही हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। वंश भी नहा धो के बैठा हुआ है, मैं भी नहा धो के सुकून से बैठा हुआ। टाइम ही जी इसलिए रखा था ताकि हम लोग सुकून से बैठ के बात कर सकें। तो आप क्वेश्चन अपने जी मेंशन कर दें इधर, विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। हाँ वंश, एग्जाम्स का बताओ यार। तो एग्जाम्स का ऐसा सीन होता है कि जो भी प्रोफेसर है उसके ऊपर है उसको एग्जाम कैसे लेना है। वो एमसीक्यू भी ले सकते हैं, वो आपका एग्जाम ओरल भी ले सकते हैं, वो किसी तरीके का आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, किसी तरीके की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या सब कर सकते हैं। वो प्रोफेसर के ऊपर है, हर एग्जाम आपका अलग तरीके का होता है, प्रोफेसर चेंज भी कर सकता है, पूरा प्रोफेसर के ऊपर है। और फिर वो 30 मार्क्स में से आपका जो भी एग्जाम होगा और उसने जो भी टास्क आपको दिया होगा उसमें से इवैल्यूएशन करके आपको वो मार्क्स देता है। अच्छा, और एक सबसे बहुत बेस्ट बात, इम्पोर्टेंट, हाँ बताओ, बस बेस्ट बात बता रहे थे, तुम बताओ। हाँ बेस्ट बात ये है कि बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है पूरा यहाँ एजुकेशन का। यहाँ पे हाँ हमारे देशों में, जैसे हमारे मुल्कों में होता है कि हमारे साल में एग्जाम्स होते हैं, एक पास दफा नहीं तो होता है। फेल होता है। यहाँ पे होता है कि आप जब तैयार हो किसी सब्जेक्ट को लेके तब आप एग्जाम चूज करो। साल भर में से 6 महीने 7 महीने तो एग्जाम से डेट होते हैं, आपके ऊपर है चॉइस कि आप कौन सा दिन चूज करोगे और पेपर जाके अपियर करोगे। मतलब आप और एक उसके एग्जाम बाद जो है, हाँ। एक कोर्स का एग्जाम आप 6 से 7 दफा दे सकते हैं पूरे साल में, ऐसे ही जी 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 ऐसा ही एक में है। फेल हो गए तो आप एक्सेप्ट ना करें, हाँ सेकंड वाले में एक्सेप्ट अटेम्प्ट ना कर लें, करें। थर्ड हाँ प्रोफेसर में भी दे आपसे लें, फोर्थ। पूछेंगे, जैसे कि 30 में से 18 मार्क्स पासिंग होते हैं जो कि 60% होता है, और अगर आपका उससे कम होता है तो अगली बार आके दे दो, अगला डेट चूज करो और आप अच्छी तैयारी के साथ आए और पेपर दें। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको अब आगे मास्टर्स करना है या जिनको अपनी मार्कशीट अच्छी करनी है, ट्रांसक्रिप्ट अच्छी करनी है, तो वो जब एग्जाम देते हैं और उनके मान लो 22 या 23 मार्क्स, और बच्चे को ऐसा फील हुआ कि मैंने तैयारी अच्छी करी थी, तो वो रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे ये स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, देयर इज अ स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो अगले डेट पे आके वो फिर से एग्जाम दे सकता है। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में एग्जाम पैटर्न में नहीं है, जो हमको बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। बेस्ट हो गया। ये पूछ रहा है, किसी ने जी पूछा है, स्टोरी बाय गेटी इमेजेस, इज ही स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो? नो, ही इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिसीना व्हिच इज इन इटली, एंड द रीजन इज सिसिली। सिसिलिया रीजन में पढ़ते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिसीना है, उसमें वंश डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं और ये वहां पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट्स? आई हैव हर्ड दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर 30 क्रेडिट्स टू कीप आवर स्कॉलरशिप। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। तो क्रेडिट्स ऐसा होता है कि हमारा जो एग्जाम होता है उसके कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि एक एग्जाम है उसके लिए कुछ पॉइंट्स होता है, जैसा वेटेज होगा उस एग्जाम का उस हिसाब से यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एक पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, वही आपके क्रेडिट्स होते हैं। आपने क्रेडिट्स करने होते हैं, साल का एक डेट होता है जिसके पहले आपको इतने क्रेडिट्स करने होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। कोई भी डिग्री होती है वो क्रेडिट्स की बनी होती है। आपकी डिग्री 180 क्रेडिट की हो सकती है, 120 क्रेडिट की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द डिग्री और टाइम कितना बड़ी डिग्री आपकी। तो आपने एक एग्जाम है वो आप पास करते हो तो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, वो 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो जब आप क्रेडिट्स करते हो, और स्कॉलरशिप भी उसी बेसिस पे डिसाइड होती है। स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप होती है उसमें कोई क्रेडिट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं,
वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, आपको बस आके कह देना मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरा एडमिशन है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब हमें संभालिए, हम आ गए इधर, अब हमें संभालिए, अब आपके हवाले, आपके हवाले, अब आपके, अब तुम्हारे हवाले बताना चाहती हूँ। हाँ, तो जब आप जो सेकंड ईयर की होती है, सेकंड ईयर के बारे में बताएं प्लीज। और जो सेकेंड ईयर की होती है उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स बताए जाते हैं, जैसे आपने बोला कि 30 क्रेडिट्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और डिग्री टू डिग्री। हर कोर्स के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि 24, 26, 27, 30 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितने क्रेडिट चाहिए होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या जब आप इधर आओगे, आप पढ़ रहे होगे, आपको पता चल जाएगा कि हमें इतने क्रेडिट चाहिए स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए। तो पहले साल चिंता नहीं लेनी है आपने स्कॉलरशिप की, आप आओ एंजॉय करो, सिर्फ आप लग के पढ़ाई करो, अगर आप एग्जाम पास कर लेंगे तो सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं है, टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ होते हैं एग्जाम्स, बहुत इजीली आप पास कर जाओगे। इसी बात से एक सवाल निकल के आता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली, आप जो आए थे, आप कब आए थे, स्कॉलरशिप आपको मिली, क्या मामला बना? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन 31 दिसंबर होती है और हम यहाँ पे 31 दिसंबर डेडलाइन तो नहीं थी, स्कॉलरशिप की डेडलाइन निकल चुकी थी सेप्टेम्बर नवंबर में निकल चुकी थी, बट ये एक और लिस्ट इनकी होती है जो सेकंड लिस्ट होती है कि अगर इनके पास पैसे बचे तो वो देते हैं, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर थी और हम 25 दिसंबर को पहुंचे पूरी निराश होके कि अब तो स्कॉलरशिप गई हाथ से, बट राहत भाई और हमने साथ में 28 दिसंबर को जस्ट 3 दिन पहले एलिजिबिलिटी के अप्लाई किया और हमारी स्कॉलरशिप मिल गई हम दोनों को सक्सेसफुली, और जो हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो जी स्कॉलरशिप मिली हमें। आपको स्कॉलरशिप मिल गई, अच्छा स्कॉलरशिप मिल गई थी, और आपको स्कॉलरशिप के साथ में ख्याल में कोई खाने पीने का सिस्टम भी मिला था, उसको क्या बोलते हैं, वो भी किस तरह से होता उसको, जी जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उसके साथ साथ आपको पैसों के अलावा आपका जो मेस होता है, जो फूड कैंटीन होता है, वो भी पूरा फ्री हो जाता है, पूरा जीरो, आपको कोई पैसे नहीं पे करने होते हैं, दिन के 2 मील्स होते हैं जो उसमें कवर होते हैं और आप जाएं और अच्छे से मंडे के खाएं, मंडे के कोई आपको नहीं रोकेगा, मंडे दे दो दफा खाना मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है, दो दफा खाना मिल जाता है। ठीक है वंश, फिर आप उधर आए, आपको स्कॉलरशिप मिली, खाने का भी, रहने का सिस्टम हुआ था कुछ आपका? हॉस्टल मिला? रहने का सिस्टम ऑनेस्टली मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि हम काफी लेट आए थे, पर अगर आप टाइम पे आते हो तो आपको हॉस्टल भी मिल जाती है, तो रहने का सिस्टम जी डिपेंड करता है जिस टाइम आप आ रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, तो ऐसा ही है। जबरदस्त हो गया। अच्छा अब ये बताएं जरा मुझे आप वंश, के आपके एग्जाम्स हो गए थे शायद जनवरी या फरवरी में और आपने सारे फ्लाइंग कलर से पास कर लिए थे और आप वन ऑफ द टॉपर्स भी थे अपने अपने बैच में, उसके बाद आपने किसी और शहर का रुख किया, वो आप कहाँ गए थे, कैसे गए, उसके बारे में एक पूरा साल की स्टोरी सुनने में बैठा हूँ मैं, जरा बताएं क्या क्या किया। तो हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी किस्मत से, और सेकंड ईयर में हमें 27 क्रेडिट्स चाहिए थे, तो लक के पढ़ाई करी, आउट ऑफ 64 क्रेडिट्स जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, 64 क्रेडिट्स फॉर द होल ईयर, फॉर द फर्स्ट ईयर, आपको 27 क्रेडिट्स चाहिए थे स्कॉलरशिप के लिए। 27 क्रेडिट्स के लिए आपको ऑलमोस्ट कितने कोर्सेज पास करने थे? 3 से 4 कोर्सेज पूरे साल में पास करने थे। वैसे टोटल कोर्सेज आपके तकरीबन 7 से 8 थे, ऐसे ही था, कितने थे? जी जी ऐसा ही था उस ऐसा ही था, 8 थे और उनके हाफ आप कर लेते हो तो आप लगभग स्कॉलरशिप वाले अमाउंट तक पहुंच जाते हो। हाँ तो ये मामला तो अच्छा है ना। अब दूसरा ये बताएं आप कि आप उधर से चले गए थे छोड़ के किसी और शहर, वहां पे कैसा वक्त गुजारा? तो हुआ ऐसा कि हमने लग के पढ़ाई करी और स्कॉलरशिप सिक्योर कर ली, तो हेलो ये वीडियो क्लियर नहीं आपकी, अब आ रही है? नहीं वीडियो चले गई, आई थिंक चले गई वीडियो। आवाज तो आ रही है, हेलो अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है वंश, वीडियो चले गई, पता नहीं क्या मसला हुआ, हम एक बार रिजॉइन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है रिजॉइन कर लो। जी। अच्छा जब तक मैं क्वेश्चन के आंसर कर दूं, हुज़ैफ़ा ने मैसेज किया हुआ है, अभी क्रेडिट्स का आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है, और
टीएलसी डेट के बारे में मैं वंश से पूछ लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट है हेलो वंश. हाँ वंश वीडियो आई. वंश एक क्वेश्चन आया भाई टीओएलसी के बारे में. टीओएलसी की डेट्स क्या है, टीओएलसी का प्रोसेस क्या, थोड़ा ये बताए ना प्लीज. टॉल्क एग्जाम जो होते हैं आपके, वो हर महीने में कुछ सेलेक्टेड डेट्स होते हैं जिसपे डेट्स अवेलेबल होते हैं. आप टॉल्क की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करके फिर आप डेट चूज करके एग्जाम का स्लॉट बुक कर सकते हो, और वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है और उसकी फीस तकरीबन 30 से 40 यूरो की होती है ऑन एन एवरेज. तो आपको टॉल्क एग्जाम बुक करना होता है, और वो सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं, यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटीज में उसका एक्सेप्टेंस होता है, कुछ में आपको ऐसा भी है कि बिना टॉल्क के भी आपकी एडमिशन हो जाएगी. अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स टॉल्क मांग रही है तो आपको कंपलसरी टॉल्क देना ही पड़ेगा. और ज्यादा टफ भी एग्जाम नहीं होता है. टॉल्क एग्जाम ऐसा होता है कि टॉल्क भी अलग अलग तरीके के होते हैं. टॉल्क आई है, टॉल्क ई है, टॉल्क एफ है, मेडिकल के लिए आई मैट है. तो ये सारे एक तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो इटालियन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं. तो टॉल्क में आपका बैचलर्स के लिए होता है, मास्टर्स के लिए टॉल्क नहीं होता. पहली बात तो ये जी जी करेक्ट. बैचलर मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि टॉल्क के लिए आपको पहले एग्जाम देना पड़ता है फिर एडमिशन मिलता है, या एडमिशन मिलने के बाद टॉल्क देना पड़ता है. व्हाट इज द प्रोसेस, थोड़ा समझाए ना प्लीज. हाँ, आपको टॉल्क पहले ही देना पड़ेगा ताकि आपको एडमिशन मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपको केवल डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन नहीं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो हाई एंड होती है जिनकी एक वर्ल्ड रैंकिंग है, वो केवल आपके 12th के 10th के जो हमारी स्कूल होती है बैचलर्स के लिए, केवल उस पे नहीं आपको एडमिशन देना चाहती हैं. तो उन्होंने टॉल्क एग्जाम लगाया होता है, तो वो उनमें उसमें एक स्कोर होता है जो एक्सेप्ट करते हैं. अगर उससे ज्यादा आप लाते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, नहीं तो वो आपको टॉल्क का रीजन देके रिजेक्ट कर देते हैं. इसलिए टॉल्क एग्जाम होता है जो आपको पास करना होता है. वो कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, जो सेपियंजा है, बोलोनिया है, जो वर्ल्ड की टॉप हाई एंड यूनिवर्सिटी है जिनकी रैंकिंग्स बहुत अच्छी है, तो वो टॉल्क मांगते हैं. जबरदस्त हो गया. अच्छा, रोशान ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच सिटी इज बेटर फॉर मी इन बेटर फॉर मी इज मेसिना और वेनिस फॉर स्टडी एज वेल एज पार्ट टाइम जॉब. मैं तो बोलूंगा वेनिस. मेरी भी वेनिस, क्योंकि वेनिस वेनिस दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट हैं, बट द सिटी इज which is better among those two cities is Venice. Correct. Because Venice में देखें आप, वो tourist city है. English speaking जॉब होंगी. International city है. Hospitality tourism का काम बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है. और शायद उसकी ranking भी अच्छी होगी Messina University से. मैंने check नहीं किया, but आप check कर लीजिए कि उसकी QS ranking क्या है. साथ में वहाँ पे part time jobs definitely मिलेंगी, क्योंकि summer में तो वहाँ पे शायद पाँव रखने की जगह नहीं होती है. तो restaurants ranking में, तो bar Messina में की बेहतर है. रैंकिंग मेसिना की बेहतर है, 100-150 रैंकिंग. जी जी, उसका खा फोस्कारी नाम है वेनिस की यूनिवर्सिटी का नाम, और मेसिना की रैंकिंग बेटर है, बट ओवरऑल वेनिस ज्यादा अच्छा है. वेनिस ज्यादा अच्छा है. वेनिस इज अ ड्रीम सिटी, दुनिया जाती है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शादी की थी वेनिस में. जी जी, तो मेसिना नहीं आए थे भाई वो. तो आप लोग जो है ना वेनिस ही जाए. वेनिस जो है ना वो ड्रीम सिटी है, मजा आएगा. जाए, रील्स बनाए, स्टोरीज लगाए, व्लॉगिंग करें, जो दिल करना है वेनिस में करो भाई. वेनिस इज द सिटी. लाइव हो जाए. हाँ, लाइव हो जाए. चेक कर दे सबको, अगर सुन रहे अभी विपिन तो सबको चेक करना है आपने वहां जाके. वेनिस इज द टॉप सिटी, आपने जाना है. हम तो जा नहीं सके मजबूरी, लेकिन हम घूमने जरूर जाएंगे. मेरा भी रहता है, मैं जाऊंगा जरूर घूमने नेक्स्ट ईयर. सो ये तो अच्छा हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच. अभी तुमने बता दिया यार उसके बारे में भी. मैं इधर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. टॉल्क के बारे में बता दिए. तो टॉल्क मतलब आपने रजिस्टर करना पड़ेगा पहले उसके पोर्टल पे जाके, टॉल्क की वेबसाइट पे, एंड देन यू विल गिव एन एग्जाम. उसका सिलेबस क्या होता है टॉल्क का? पहली बात तो दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन. ऑफलाइन वो इटली में ही वो सेंटर्स देते हैं यूनिवर्सिटी में, बट क्योंकि हम इंटरनेशनल है तो ऑफलाइन हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि वीजा बाद में लगेगा एडमिशन के. तो आपने ऑनलाइन करना है. और उसका सिलेबस ऐसा होता है कि वो 90 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन पेपर होता है जो आपके ऑनलाइन आपके कंप्यूटर में आता है सर्वर पे, और उनका पूरा एक इंटरफेस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और उसी के अंदर वो चार सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिक और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. ये होता है टॉल्क आई इंजीनियरिंग के लिए. फिर जैसे ही आप फिर अगर आप इकोनॉमिक्स में जाओगे टॉल्क ई के लिए, तो उसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा, अकाउंट्स और बिजनेस के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. ऐसे ही करते करते होते हैं. और टॉल्क ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है,
और 90 में से यूनिवर्सिटी ऑफ सेपियंजा ने 30 कट ऑफ रखा है, अगर आप 30 से ज्यादा स्कोर करते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है। आसान है बहुत यार, ओनली 30 आउट ऑफ 90, बट उसमें तो हमारे पाकिस्तान में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उससे भी कम मार्क्स हैं। पाकिस्तान में होते थे बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको 100 में 33 मार्क्स लेने होते हैं आपका सब्जेक्ट पास। जी ऐसा ही है, सेपियंजा यूनिवर्सिटी ने स्टैंडर्ड बिल्कुल गिरा दिया। मैं सोच रहा था कि 90 में से कम 60 लेने होंगे, 65 लेने होंगे तब जाके देंगे एडमिशन। उसका मसला नहीं है। तो ये टीओएलसी की काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है यार हमारे पास, हमने टीओएलसी पे काफी बात कर ली है और मेरे पास भी काफी इन्फॉर्मेशन आ गई है। जुबैर करीम थैंक यू वेरी मच, आप सखर से, आप लाड़काना से हैं, छा सही खुश आयो तभी सटा ता जी सिंधी गलाइंदो आया मां मैं सिंधी बात सिंधी में बात कर रहा हूं सारी सिंधी जी, 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 मुझे रुशान आपका क्वेश्चन अवेलेबल, टीओएलसी इज नॉट अवेलेबल नाउ, उसकी टीओएलसी की वेबसाइट पे जाके चेक करें तो आपको जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सपियंजा में अप्लाई करना चाह रहे हैं सपियंजा, अच्छा आई ऑलरेडी अप्लाइड इन वेनिस यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप। देख रहे हो भाई तुम्हारे तो जना चॉइसेस ही बैकअप में चल रही है, वेनिस को बैकअप में रखा हुआ है, सही सही है, लेकिन रोम प्रायोरिटी है। वाह वाह, होना चाहिए, हमारे पास ऐसा बैकअप नहीं था यार, हम तो बस डायरेक्टली हमने जो मिला बस बिस्मिल्ला करके आ गए, पाकिस्तान से निकलना था तो बस फौरन निकल के आ गया। Venice ranking is much better than Messina, Roshan ने कहा है। होगी यार मैंने चेक नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम, आमिर ने मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। आमिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शादीशुदा हैं, अभी रिसेंटली शादी हुई, कश्मीर से हैं, पाकिस्तान वाले कश्मीर से हैं ये, ठीक है तो आमिर की शादी होगी, आमिर बड़े अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आई होप आप खुश होंगे। 50 मार्क्स TOLC एग्जाम लिखा हुआ है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन TOLC। रुशान ने कहा है कि यार 50 मार्क्स एग्जाम होता है बंच और 5 मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल है, तो ये कौन सा 50 मार्क्स क्या सीन है? अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कट ऑफ रखती है और अलग अलग मार्क्स एक्सेप्ट करती है, और ऐसा नहीं है कि टॉल इजी होता है, वो हमने बोला पहले ही, सच में वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कोई भी बच्चा मेंटल एबिलिटी के लिए जल्दी प्रिपेयर नहीं करता है और कर नहीं पाता है, और उसमें वो इतने भी हलवा क्वेश्चंस नहीं देते हैं कि उनकी दादी का बच्चा का ये तो वो कौन है, वो ट्रिकी ट्रिक्स रखते हैं, इस वजह से इशू होता है, मसला होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग आर्टिकल्स पे आपको रैंकिंग भी अलग अलग मिल जाएगी जो चेंज होती रहती है टाइम के साथ, और जो है यूनिवर्सिटी के वो अलग अलग रहते हैं, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। So, I am not sure, लेकिन TOLC is mandatory for every bachelor program in Italy या फिर उसके बगैर भी हो जाता है? Not at all. मेरा खुद admission बिना toll के हुआ था मेसिना में, तो it's not mandatory and compulsory for every university. It depends on the university completely कि university अपना standard बढ़ाने के लिए toll लगाती है कि नहीं, तो ऐसा ही सीन होता है। ये रिजवान भाई ने ज्वाइन किया है रिजवान भाई, लेजेंडरी हमारे एक भाई हैं, ये भी इंडिया से हैं, हैदराबाद। रिजवान भाई वी मिस यू, रिजवान भाई वी मिस यू, थैंक यू रिजवान। मैंने मैसेज किया कश्मीर पूरा एक ही है ना, इंडिया का ना पाकिस्तान का, वल्ला कश्मीरी इन्होंने तीसरा ही एजेंडा ला दिया है तीसरा एजेंडा ला दिया है अभी, ये इससे पहले के पॉलिटिकल गेम में कन्वर्ट हो जाए हम कश्मीर के टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। सो अच्छा वन सी के टीओएलसी आई थिंक काफी अच्छा, टीओएलसी का कोई इंटरव्यू तो नहीं होता ना, वो कह रहे हैं टीओएलसी नहीं 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 होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, वो कंप्लीटली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पेपर है, कई बार उसमें एक एक्स्ट्रा एसे सेशन होता है, वो कुछ ही टॉल के लिए आई और ई और एफ में नहीं है, तो वो कंप्लीटली रिटन आपका एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस, कोई इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं होता। अच्छा जुबैर ने मैसेज किया है, भाई मैं अभी 12 में हूँ, अभी इंशाल्लाह इस साल एग्जाम देकर फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं क्या करूँ, थोड़ा गाइड करें, पहले पासपोर्ट बनवाओ फिर इटालियन लैंग्वेज लर्न करो, थोड़ी आपकी क्या सलाह है? जुबैर आप अभी पासपोर्ट तो बनवाएंगे डेफिनेटली, और मेरी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसमें आपने शुरू में 3 काम करने होते हैं, आपने पहले डॉक्यूमेंट अटैच करवाने होते हैं, और आप अपना 3 यूनिवर्सिटी मैंने बताई बहुत अच्छी, उनमें एडमिशन ढूंढें, और तीसरा आप आइल्स की तैयारी करें, ये 3 काम आप करना स्टार्ट कर दें इस साल से ही, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपका जो है ना वो आपको बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाएगा,
एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपके और डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको सपोर्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वंश भाई बिग फैन आपका कोई आ गया भाई। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये वाला मामला है कि जब आप जो है ना अप्लाई करेंगे तो आप है आपका लगता है रीजन सिंध कराची का, तो कराची कॉन्सुलेट का जो वीज़ा रेशो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि भाई आपके तीनों काम करें, मेरी वीडियो जाके ढूंढ लें, 3 मस्ट अप्लाई इन एडमिशन यूनिवर्सिटी, इटालियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो फिर आपको वो वीडियो मिलेगी, उसको फॉलो कर लें। सो मोहम्मद रिजवान भाई कहना, चलो गाइस गुड जॉब, ऑल द बेस्ट फॉर द विजन फॉर द व्यूअर। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई फॉर ज्वाइनिंग, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। रिजवान भाई इस वक्त रोमेनिया में इंजॉय कर रहे हैं, बुकारेस्ट में है रोमेनिया में, ही इज ऑन एरास्मस। इंशाल्लाह इनसे जल्दी मुलाकात होती है विद इन 2-3 मंथ्स, मिसीना में मुलाकात। रिजवान भाई अपना बहुत ख्याल रखें यार, वी मिस यू। और हाँ, फिस्कल कोड के बारे में बता दें, फिस्कल कोड बता दें, फिस्कल कोड क्या है? हाँ, फिस्कल कोड एक टैक्स कोड होता है। जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो आपके नाम पे पूरी एक डॉक्यूमेंट बनती है। पहले तो आप जब बाहर हो तो आपका एक फिजिकल कोड बनेगा, और जब आप कंट्री के अंदर चले जाते हो तो एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट कोड नीचे फिस्काल करके बनता है, जिसमें आपके वो एक बेसिक आपकी जैसी पाकिस्तान में आईडी होती होगी वैसी वो एक डॉक्यूमेंट होती है, जैसे हमारा सीएनआईसी होता है इंडिया में, आधार कार्ड होता है, इस तरह से इटली में फिस्कल कोड होता है। जी, उसमें सारे आपके उसमें नाम सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपने क्या कहा क्या पूरा लेका झोंका उसमें आ जाता है, क्या तो, करतूते की हैं वो सब उस पे आ जाता है। अगर कोई पेनल्टी पड़ेगी आपको तब भी वो शो हो जाएगा, कोई फाइन पड़ेगा आपको वो शो हो जाएगा, आपने ट्रांजेक्शन किए वो सारा उसमें कवर हो जाता है। तो फिस्कल कोड आपका किसी भी वेबसाइट से जाके बना सकते हैं, आप अभी भी जाएंगे बना सकते हैं, वेबसाइट से फिस्कल कोड जनरेट कर सकते हैं, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के आपका एक फिस्कल कोड जनरेट होगा जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसा अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। सर हम स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के लिए इटली आके अप्लाई करेंगे ना सर, मैं बताऊं ये वाले सवाल के बारे में? देखें, आप स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि जब तक आपका वीजा नहीं लगा होता है। स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप आपकी स्टार्ट होंगी, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी मई जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी हर रीजन की अपनी। तो आप एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कभी कभार अपलोड करने पड़ते हैं, कभी कभार नहीं भी अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो करके आप शांति से बैठ जाएंगे। फिर जब आप इटली आते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और जमा कराने पड़ते हैं यहाँ पे आके। एक आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम ईजे कहते हैं, वो जमा कराना पड़ता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है, और पाकिस्तान से निकला हुआ FBR का इनकम सर्टिफिकेट जमा कराएंगे तो आपको इटली में स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन अप्लाई आप पाकिस्तान से इंडिया से बैठ के ही करते हैं, क्योंकि तब तक आपको वीज़ा नहीं मिला होता। वीज़ा आपको मिलता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। वंश भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना कैसी है फॉर स्टडी? बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और हर साल अपनी रैंकिंग भी इम्प्रूव कर रही है। लास्ट ईयर उसका 800 समथिंग था और इस साल 501 पे पहुंच चुका है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है हर एस्पेक्ट में, तो आई एम सैटिस्फाइड विद माय यूनिवर्सिटी। सही हो गया सर ये। अच्छा, चलें, आपको लगता है आप ग्रेजुएट कर जाएंगे, ये टॉप 100 में आ जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना? होप सो, जितना ऊपर है उतना फायदा है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ग्रेजुएट लेट करूं। आपको अच्छा, रुशान कह रहे हैं कि हाउ कैन आई गेट फिस्कल कोड, आई नीड फॉर इट फॉर एडमिशन। आप जाके लिख दें कोड, फिस्कल कोड फॉर इटली, गूगल पे सर्च करेंगे कोई वेबसाइट आ जाएगी, फिस्कल कोड जनरेटर जाके लिख दें कीवर्ड, वेबसाइट आ जाएगी और आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे मुझ ने बताया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लोकेशन और आई थिंक डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आप मेंशन करते हैं तो आपका फिस्कल कोड जनरेट हो जाता है। कासिम फारूक बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, PhD के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा में, इनके साथ भी सेशन करना है, हमारे बड़े सेलिब्रिटी भाई हैं। सो उन्होंने पूछा क्वेश्चन आपसे, वंश पढ़ लें आप और जवाब दे दें। यू आर अ डेटा साइंस बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वंस यू हैव योर डिग्री, वुड यू लाइक टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और अ जॉब? पर्सनली आई वुड लाइक टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जब एक बार IT की नॉलेज हो जाएगी तो उसके बाद आई वॉन्ट टू गेट इन टू फाइनेंस। तो हमारे कंट्री में जैसे MBA होता है या मैनेजमेंट की जो कोर्सेज होती हैं, तो वो हम करना चाहेंगे ताकि मेरे पास IT और फाइनेंस दोनों सेक्टर्स का नॉलेज हो, एक बिजनेस एनालिस्ट, एक डेटा एनालिस्ट,
तो एक बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो पर्सनली हम वैसा करना चाहेंगे, लेकिन अदरवाइज जब बाकी बच्चों से हम मिलते हैं और चीजें समझ आती हैं, तो ये जो डिग्री है बहुत ही पावरफुल, स्किल बेस्ड और बहुत ही अच्छी डिग्री है। इसके बेसिस पे भी आपकी खुद की कंट्री में और इटली में भी या कहीं भी दुनिया भर में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, अगर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो जो आपकी डिग्री में कवर्ड हैं तो। बट हम पर्सनली आई वुड परसू माई पोस्ट ग्रेजुएट। ओ प्रपोज। अच्छा वैसे इंडिया वापस जाओगे डिग्री के बाद? नहीं 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 यही रहना है, इटली में रहना। इटली नहीं। मैं तो बड़े मान से बोलता था कि पाकिस्तान के लोग वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन इंडिया के लोग वापस जाना चाहते हैं। ये तो पूरा वक्त बदल दिया, हालात बदल, जज्बात बदल दिए। क्या हो गया भाई? नहीं, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, बट हमें सूट करता है अब्रॉड तो। अच्छा आपको घूमने सूट करता है अब्रॉड, क्या बात। लेकिन आप के तो इंडिया भी गए थे, खुशी खुशी गए थे। प्रेम लिए अच्छा है, वो तो घर है अपना, मुल्क है, सबका प्रेम है अपने मुल्क से, और अपने है वो अलग बात है जी। जी। बट आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होगी, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका बैंक क्या कहता है, बैलेंस क्या कहता है, वो सब हमें लगता है हम अपने कंट्री में उतना अच्छा नहीं कर सकते जो बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बेस्ट हो इसलिए गया। अच्छा जी। ये एक और जोशान ने एक सवाल पूछा है, विच पार्ट टाइम जॉब यू आर डूइंग राइट नाउ। अच्छा इसको बताने से पहले आप बता दें कि रोम में आप ये करने गए थे, अभी तो शायद आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं ही है? करें, करेक्ट, मशीना में पार्ट टाइम जॉब है भी नहीं, इतनी होती है नहीं लेकिन इतनी नहीं है। होत रोम गए जी थे आप, जी मार्च तो हुआ अप्रैल में? ऐसा था कि जब मेरी स्कॉलरशिप सिक्योर हो गई थी, तो हमने डिसीजन लिया, हमने और मेरे दो फ्रेंड्स ने, कि हम लोग मेसिना से अब रोम जाएंगे, क्योंकि मेसिना में ऐसा है कि मेसिना थोड़ा सा इटली के इंटीरियर में है, जिस वजह से उतना इंग्लिश एक्सपोज नहीं है, ज्यादा इटालियन ही लोग बोलते हैं, इस वजह से जॉब्स उतनी इंग्लिश स्पीकर्स के लिए नहीं है। अगर आपको इटालियन आती है तो आप पूरे इटली में कहीं भी जॉब कर सकते हो, एक बेसिक और अच्छे कम्युनिकेबल लेवल की। अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मेसिना में नहीं, हम लोग ने फिर रोम में ट्रैवल किया, और रोम में बहुत अच्छा एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया, एक जलातेरिया में, जहाँ बस सिंपल एक कप में ऐसे आइसक्रीम डाल देनी और पैसे कमाने, तो क्या करीब आइसक्रीम खाई भी आपने बहुत वहां पे? आइसक्रीम खाई हुई है और खिलाई भी बहुत है तो। अच्छा जिलातेरिया में आइसक्रीम भी खाई है, खिलाई भी, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? मजा आया? अपने अपनी बहुत कंट्री में जॉब नहीं किया? ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, और बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। उधर इटालियन से आपको समझ में आता है कि उनका बिजनेस माइंड कैसे काम करता है, काफी पर्सनल चीजें समझ आती हैं स्किल्स वाइज, और इटालियन भी आपकी इंप्रूव होगी उनके साथ काम करके, आपके सामने दुनिया भर के सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग देश के, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी जॉब एग्जैक्टली कोलोजियो पे थी, तो क्या काफी बात है, टूरिस्ट एक्सपोजर था जी, सुबह बहुत शाम अच्छी वंडर ऑफ द जॉब वर्ल्ड थी। देखते थे, आईने में भी और सामने भी। रोज रोज इतना कि बोर हो गए थे, आईने वाले से नहीं, तो अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, जबरदस्त हुई। जी अच्छा ये बताओ कितने पैसे बनाए यार उधर तुमने कोलोसियो में? और उसके बाद मैंने जी सुना कि तुम इंडिया गए थे तो कहीं से घूमते हुए गए थे, कोई एक जी और जी जी कंट्री जी विजिट की थी, वो एक्सपीरियंस जी बताया जी ना अपना। जी तो मेरे एग्जैक्टली 1456 यूरो बने थे, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे था, जलातेरिया में 1 मंथ काम किया था हमने बस, तो मेरे उतने पैसे बन गए थे, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी थी, करीब 40 से 45 यूरो ये दिन के होते हैं, तो काफी अच्छे पैसे थे ये जो मेरे अगर ऐसे। किसी को नहीं पता कि पाकिस्तानी करेंसी में ये पैसे होते हैं तकरीबन 4.5 से 5 लाख, और इंडियन करेंसी में ये होंगे 15-1.5 लाख रुपए, जी 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 1,50,000 रुपए, ऐसा ही ऐसा है, ही है? हाँ ऐसा ही, ऐसा ही है बिल्कुल, तो हाँ ऐसा ही था। हमारी कंट्री और स्ट्रांग है, फिर हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, देख रहे हो काश हम भी पाकिस्तान से होते तो तुम? लखपति होते, तो फिर इतने सही पैसे है। कमाने के बाद फिर हम यहाँ से फिर इंडिया जाने का डिसीजन लिया, घूमने का और पैसे उड़ाने का, समझ नहीं आ रहा था पैसों का क्या करना है, क्योंकि स्कॉलरशिप लग गई थी और जॉब भी कर लिया था और पैसा ही लखपति पैसा, बन गए थे, पैसा ही पैसा मैं चाह रहा हूं मैं एक गाना तो। चला दूं, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। तो उसके बाद हम लोग ने अच्छा डिसीजन लिया घूमने का, इंडिया जाने का वापस। और जब भी आप फ्लाइट से ऐसे जाते हो, जैसे आप अगर इटली से पाकिस्तान भी जाओगे, तो बीच में आपका लेओवर आएगा कहीं किसी देश में, तो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा अगर आप उस कंट्री को भी एक्सप्लोर करते हो और घूमते हुए जाओ। जैसे अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है तो वो सऊदी उमरा करके जा सकते हैं, या पाकिस्तान से इटली आ रहे हैं तो सऊदी जा सकते हैं, या जो भी आपको कंट्री
कंट्री आपके प्रेफरेंस की, आपके मन है घूमने का? तो वैसे ही मेरा फ्लाइट का लेओवर दुबई में था, जिसका फ्लाइट का लेओवर हमने एक्सटेंड करा के 4-5 दिन अच्छे से दुबई में भी ऐश करी। तो दुबई सफारी, बुर्ज खलीफा जी, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, हबीबी, कम टू दुबई। यस, चलो उसके बाद करेंगे जी। यार एक अच्छा क्वेश्चन आया भाई, क्लासेस कब स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी की, वंश, व्हाट इज द टाइम पीरियड? क्लासेस होती हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी फ्राइडे कई बार ऑफ होता है, जिसमें जो इटालियन टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक होती हैं। फिर आपका 1 से 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, जिसमें आप कैंपस के अंदर मेस जाके अपना फूड कैंटीन जाके खाना खाते हो फ्री का। मेरे ख्याल में ये क्लासेस पूछ रहे थे मंथ के हिसाब से कि कौन से मंथ में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट ईयर। अच्छा, डेली नहीं, ओके। जो फर्स्ट ईयर वालों की होती है उनकी सेप्टेम्बर इनटेक होती है, तो वो सितंबर में क्लासेस शुरू हो जाती हैं और वो आपकी चलती हैं आपके दिसंबर तक, जिसके बाद एग्जाम्स का सेशन शुरू हो जाता है। दिसंबर तक आपका कोर्स वाइंड अप हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का, सितंबर से लेके दिसंबर के क्रिसमस से पहले पहले जी, क्रिसमस हॉलीडेज के वाइंड अप हो जाता है। यस, उसके बाद आपका पूरा एग्जाम्स का सेशन शुरू होता है। जैन नए साल आपके साथ लेकर आता है एग्जामिनेशन, हां नए साल प्रकट होता है एग्जामिनेशन लेके, तो उसके बाद मल्टीपल एग्जामिनेशन के राउंड होते हैं, शायद 2 या 3 राउंड होते हैं, एक जनवरी में होता है और 2 फरवरी में या फिर मार्च में भी होता है। और अब नेक्स्ट क्लासेस कब स्टार्ट होंगी आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की? जो 7 जनवरी से, 7 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, 7 जनवरी से चलेंगी क्लासेस, कब तक? 7 जनवरी से एक रिविजन क्लासेस कुछ चल रही है, उसके बाद एग्जाम्स हो जाएंगी, वो बस 1-2 वीक्स की है क्लासेस। अच्छा, जो आखिरी के रिवीजन के लिए है वो बेसिकली, और उसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं किस चीज में जॉब की थी, मैंने मिस कर दिया ब्रो, प्लीज टेल। भाई किस चीज में जॉब की थी आपने? एक यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर को जलातेरिया बोलते हैं और आइसक्रीम को जलातो बोलते हैं, तो वो एक आइसक्रीम पार्लर ही जैसा था, जिसके अंदर आइसक्रीम स्कूप से निकाल के कोन में लगा के बेच देना होता था, तो बहुत ही जी। इब्राहिम बोल रहे हैं इन विच यूनिवर्सिटी यू आर इनरोल्ड? इब्राहिम साहब, हम लोग इनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, MESSINA। इसके एडमिशन स्टार्ट होंगे फरवरी में, इसमें आईएलटीएस की जरूरत भी नहीं होती है और लो जीपीए पे भी ये लोग हमें एडमिशन दे देते हैं, जिस तरह के से हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, और स्कॉलरशिप भी दे देते हैं ये लोग, दे आर रियली गुड पीपल। लेकिन लोग यहाँ पे रहते नहीं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, इब्राहिम साहब की ये वाली बात भी कवर हो गई है। अच्छा, बट हमारी फिर क्लासेस मिस हो, हाँ अच्छा क्वेश्चन, बट हमारी फिर क्लासेस मिस नहीं हो जाती सारा प्रोसेस में, वीजा वगैरह बताएं प्लीज सर, क्लासेस तो मिस हो गई थी, अब दिसंबर में आए, एक सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं किया आपने, कैसे पास कर लिया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एम्बेसी को कोई मतलब नहीं होता है आपकी क्लासेस कब शुरू हो रही है, क्या जब उन्हें वीजा देना होता है वो देते, नहीं देना होता नहीं देते। तो सितंबर में क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बट अगर आपका वीजे, पहले तो आप ट्राई करो कि आपका वीजा टाइम पे आ जाए, केवल क्लासेस के लिए नहीं, स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के लिए और हॉस्टल के लिए भी, बट फिर भी अगर आप लेट करते हो या हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फैसिलिटी होती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस सितंबर से अवेल कर देते हैं। तो अगर आप कंट्री में फिजिकली नहीं पहुंच पाए हो या इनरोल कर पाए हो, तो आप अपनी कंट्री से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी पढ़ाया जा रहा है आपके पास। जी जी, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू आपको अकाउंट मिल जाएगा और आप ले सकते हैं क्लासेस। करेक्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं। जी जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होते हैं, सारा मटेरियल टीम्स पे होता है, मटेरियल सारा टीम्स पे होता है, पूरा प्रॉपर इनका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको मूडल भी कहते हैं वो अवेलेबल होता है। उस मूडल पे आपके सारे नोट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, सारे ग्रुप बने होते हैं। सर कौन सी फील्ड है आपकी, फील्ड कौन सी है आपकी? डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन है डेटा साइंस की। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट सुंदर पिचाई है, इनको आप पहचान लें, इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट वंश प्रताप सिंह है। लेकिन नेक्स्ट सुंदर पिचाई की बात कर रहा हूँ ना मैं, नेक्स्ट IELTS is compulsory, क्यों वंश भाई? हरप्रीत वालिया पूछ रहे हैं। इन मेसिना,
आपने दिया था ना आइल्स? जी मैंने आइल्स दिया था, मेरे कितना बैट आया था 7.9 भी, क्या बात साढ़े है, सात क्या बात है, छक्के मारे मैं, छक्के मारे जबरदस्त। तो जी। मुझसे पूछ रहे हैं मेरी कौन सी फील्ड है। मेरी फील्ड है जी कॉग्निटिव साइंस एंड मशीन लर्निंग। मेरी भी मिलती जुलती है इनकी तरह कंप्यूटर साइंस है, लेकिन थोड़ा कॉग्निटिव साइंस आ रहा था उसमें, जरा एआई का टच आ रहा था। वंश भाई यू आर नॉट ऑडिबल। वंश भाई की फील्ड है डेटा साइंस। ऑडिबल थे बता दिया, आवाज नहीं आ रही। वंश आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। अब आ रही है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। बस हम ये लास्ट 5 मिनट्स कर रहे हैं यार, उसके बाद फिर वंश को भी 2-3 काम है अपने माशाल्लाह से, और इसमें हम लास्ट में आप कह रहे हो ओके इट्स कमिंग, आ रही आ अब रही आ रही है, अब आ रही है, इट्स कमिंग, योर ऑडिबल। तो आवाज आ रही है। टीओ एलसीआई में कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम? वंश क्वेश्चन आपके लिए। मैं सीना के लिए तो आपको टॉल का ही रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो तो एवरेज 30 वुड बी अ वेरी गुड स्कोर, 27 to 30 ऑन एन एवरेज। और अगर उससे अच्छा लाते हो, प्लस लाते हो, तो और अच्छी बात है। तो ऐसा है बेस्ट होगी। अच्छा भाई साहब मुझे आखिरी चीज बताओ कि अगर स्कॉलरशिप मिल जाए और आप मसीना में रहते हो, तो इज इट रियली इम्पोर्टेंट या नेसेसरी टू हैव अ पार्ट टाइम जॉब? आप पार्ट टाइम जॉब के बगैर गुजारा कर सकते हो या नहीं? जी। मैसीना बहुत ही चीपर है एक्सपेंस वाइज, कि आपके आराम से ग्रोसरीज और रेंट और सारे खर्चे निकल सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का बहुत ही एक अच्छा हैंडसम अमाउंट है, दो जो कि बहुत मोर देन सफिशियंट है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत ना पड़े। तो यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप भी इसीलिए देती है कि बच्चा भटके ना, काम ना करे, वो बस ढंग से बैठ के पढ़ाई करे। तो बहुत ही मोर देन सफिशियंट फंड्स हैं, और उसी हिसाब से शहर के हिसाब से फंड्स भी ज्यादा कम होते हैं। तो सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट फंड्स हैं, अगर आप बिल्कुल पार्ट टाइम बिल्कुल, जॉब ना भी करें तो फिर आपका जो स्कॉलरशिप आराम का से अमाउंट है, अगर आप उसमें अपने हाथों पे गिरफ्त रखते हैं और अपनी बिल्कुल ख्वाहिशात पे काबू रखते हैं और पार्टी कम करते हैं, बिल्कुल तो फिर आपके पैसे बचेंगे और आप इजीली उस फंड में गुजारा कर सकते हैं। वंश भाई डेटा एनालिसिस प्रोग्राम में इनरोल्ड हो आप, पर कौन से प्रोग्राम में जी इनरोल्ड है? जी 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 डेटा एनालिसिस प्रोग्राम में जी, करेक्ट। डेटा एनालिसिस प्रोग्राम में इनरोल्ड है वंश, और क्या स्कॉलरशिप 3 साल लगती ही रहेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बिल्कुल लगती रहेगी, कोई दिक्कत देखिए नहीं यार है। स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में इस तरह से होता है कि आपने पहले तो डॉक्यूमेंट की बेसिस पे, जैसे वंश ने बताया, स्कॉलरशिप मिलती है। जी सेकंड ईयर में मुझे लग रहा है हरप्रीत वालिया की इस वक्त मशीना में तो नहीं है कोई जो मैसेजेस किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जनरल जनरल अवेयरनेस के लिए मैं बता देता हूँ, काफी लोग सुनते हैं। सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप जब मिलती है, जब आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स पूरे कर लिए होते हैं, मतलब 30 क्रेडिट्स अगर आपने पूरे कर लिए तो आपको सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और थर्ड ईयर में अगर आपने 80 क्रेडिट्स शायद पूरे कर लिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो करेक्ट, इस तरह से डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है, डिफरेंट यू नो ब्रैकेट होता है, अगर आपने मिनिमम स्कॉलरशिप के क्रेडिट्स पूरे कर लिए तो स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। हाउ मच स्कॉलरशिप फॉर अ ईयर एंड हाउ मच यू गेट फर्स्ट? कितनी स्कॉलरशिप पूरे साल की मिलती है और कितनी मिलती है आपको पहले? सर लास्ट 2 मिनट्स हैं, आप बताएं इसके बारे में अच्छे तरीके से। तो स्कॉलरशिप मिलती है करीब, वो हर साल अमाउंट आपका इंक्रीज होता है, बट फर्स्ट ईयर में हमको 4,600 यूरोज मिले थे, मतलब 4,600 समथिंग, मतलब 4,600 यूरोज के आसपास मिले थे पूरे साल के? जी, 4,600 यूरो। जी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पूरी 4,600 की मिली थी या कम की मिली थी? नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें 1,500 की मिली थी, 1,456 यूरो ऐसा ही कुछ था, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो 3,200 की मिली थी। जैकपॉट, ऐसा जी है जी तो क्या दे, मैं उधर ही था, हमने डांस भी किया था इसके ऊपर, ऐसे ही हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वाला सीन हो गया जी, वंश ने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। वंश आपके इंस्टाग्राम की लिंक मांग रहे हैं, बता दें कौन सा इंस्टाग्राम, की अपना हैंडल दे दें आप, क्या है? जी बिल्कुल, वंश सिंह आईडी है, VANSHH-Singh करके, आप राहत भाई के अकाउंट में भी सर्च कर सकते हो, तो कोई हाँ इश्यू नहीं। मेरा अकाउंट है राहत के ऑफिशियल, मैंने स्टोरी अपलोड की भी है, वंश को टैग किया हुआ, जी 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 आपको आप वहां वहां से से भी वंश फॉलो मिल कर लेंगे, सकते फॉलो हो। करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है इब्राहिम भाई जयसिंह कोई वंश, हमने सुन काफी, हाँ हमने रहे हैं? काफी अच्छा खासा टाइम ले लिया, 45 मिनट्स का हमारा सेशन हो गया,
It's been really good once. Thank you very, very much. राहत भाई अपना दे दो इंस्टाग्राम मुझे प्लीज, मैं दे देता हूँ आपको इंस्टाग्राम. अब बाद में नीचे आया इंस्टाग्राम मुझे दे दो प्लीज. मेरा है राहत के ऑफिशियल, RAHATKE और OFFICIAL, राहत के ऑफिशियल. सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. एंड देन मैं बाकी नई वीडियोस के साथ भी डेफिनेटली हाजिर हूँगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, लाइक कमेंट भी करते हैं आप लोग रहते हैं ऑलरेडी. बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी इसमें, तो आप लोग काइंडली वीडियोस देखते रहिएगा. यूनिवर्सिटीज के लिए भी अपलोडेड हैं, सैपियंजा में एडमिशन स्टार्ट किए हैं उसका बताया हुआ है. व्लॉग भी चलते रहते हैं साथ साथ, ताकि आप लोग स्टूडेंट लाइव भी देखते रहे कि हम ट्रैवल किस तरह कर रहे होते हैं, वो भी एक मोटिवेशन हो जाती है. सो ऑल द वीडियोस आर अपलोडेड ऑन माय चैनल, आप देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, इट वाज आवर फर्स्ट सेशन और बड़ा अच्छा लगा यार कि लोग आए, सवाल भी पूछे. कुछ हमने प्लान किए हुए थे लोग जो हमसे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन हमें मोटिवेशन हो गई थी. थैंक यू वेरी मच हरप्रीत वालिया फॉर योर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. यू मेड यू केप्ट अस बिजी throughout the live. So guys, see you in the next video. Next vlog inshallah hota hai aur next live bhi hota hai naye guest ke sath. So aapse dobara inshallah mulaqat hoti hai. Apna khayal rakhiyega bhai. Thank you very much yaar, bada maza aaya. Thank you so much Rahat bhai. Machine mein mulaqat hoti hai, fir hum sath mein ek live session sath baith ke karenge room mein. Chalo apna khayal rakho, take care. Chalo okay bye. Allah hafiz Sunny bhai. Allah hafiz. Allah hafiz.